यहीं से जी बात करें अगर कॉटन सीड ऑयल केक की, बिनौला खल की, तो बिनौला खल के हम प्राइसेस तो देख तो रहे हैं कि अभी स्थिर हो चुके हैं, एक सीमित रेंज में ही है काफ़ी समय से। लेकिन उधर बात करें अगर पशु चारे की, तो पशु चारा काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है, और उसके कंपैरिजन में देख रहे हैं कि बिनौला खल के जो दाम है NCDX पर वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। अजय जी, इस बार ऐसा उल्टा क्यों होता नजर आ रहा है? देखिए, पहला चीज है, मैंने क्लियरली आपके चैनल पर बताया भी था कि 4000 तक के लेवल हम कॉटन सीड में देख पाएंगे मार्च तक। उसके बाद हमने देखा कि जनवरी में ही हमने 3400 का भाव देख लिया था, उसके बाद प्राइस में नया रेंज हमने बताई थी 3000 से लेकर 3400 की जी। और आज का ही दिन है जहाँ पे हम 3000 का लेवल तोड़ते हुए देख रहे हैं। तो पहली बात तो अब पिछले 2-3 महीनों से एक रेंज थी, उस रेंज का ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया है, बट फ्रेंकली फंडामेंटल कोई ऐसा तेजी वाले सॉरी मंदी वाले नहीं है जो मुझे लगे 3000 के नीचे प्राइस को होल्ड करे। हाँ, क्वालिटी इश्यूज को लेकर हमने देखा कि जो NCDX की क्वालिटी और थोड़ी सी हल्की क्वालिटी, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड नहीं आ पा रही, और यही मुख्य कारण था जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर दबाव बन रहा था, क्योंकि अभी जो डिलीवरी NCDX से निकलेगी वो कहीं ना कहीं खपना तो है। तो मुझे लगता है कि वो 20 तारीख की एक्सपायरी के हिसाब से वो सीनरी निकल चुका है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मार्केट के अंदर अब एक नई वापस बाइंग आती है, क्योंकि प्राइजेस में 300-400 पॉइंट की गिरावट आ गई। वहीं हमने डेयरी इंडस्ट्री में भी देखा है कि डेयरी की डिमांड भी बढ़ना चालू, जीवन से 40 लाख शादी बताया जा रहा है कि 2022 के फर्स्ट हाफ में ही है, और साथ के अंदर दूध के भाव भी जो बढ़े हैं ये भी फार्मर को अट्रैक्टिव करता है। जैसे आपने अभी बताया भी है कि पशु चारे की बात करें या बाकी आइटम की बात करें, उसके कंपेरिजन में कॉटन सीड ऑयल के काफी सस्ता है। नो डाउट मैं मानता हूँ कि मैंने जिस तरह से बताया था कि 3000 से 3400 का रेंज है, बिल्कुल मार्केट उसी रेंज में ही चल रहा था। आज के दिन 3000 का लेवल जरूर तोड़ा है, बट हमें वीकली क्लोज तो थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए। मे बी 3000 के नीचे दबाव बन जाए, 100-150 पॉइंट की गिरावट मिल जाए, बट मेरा पर्सनल व्यू है कि करंट लेवल पे 3000 के नीचे कॉटन सीड ऑयल के नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अभी भी काफी मजबूत है। तो मेरे सलाह से या तो आप अगर पोजिशन बना रखे तो वेट करना चाहिए, नई पोजीशन हम 3020 के ऊपर ही बनाएंगे। ओवरऑल मुझे लगता नहीं है कि ये लेवल पे कॉटन सीड ऑयल केक को बेचना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए, सबसे अट्रैक्टिव कमोडिटी वापस कॉटन सीड ऑयल केक ही रहनी चाहिए जी।